खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जो कि प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है। जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर शिवसेना के लिए काम करेंगे। 2019 के चुनाव के लिए शिवसेना का वो मार्गदर्शन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशांत किशोर चुनाव में शिवसेना की मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे शिवसेना का। और इसी सिलसिले में वो मुंबई में सांसद, विधायकों और नगर सेवकों से मिले। मोदी नीतीश के लिए चुनाव की वो रणनीति बना चुके हैं, जाने माने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। कुछ ही महीने पहले राजनीति में एंट्री ली, जेडीयू में शामिल हुए, जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं इस वक्त। और बड़ी खबर ये कि 2019 चुनाव के लिए नीतीश के चाणक्य शिवसेना का मार्गदर्शन करेंगे, शिवसेना के लिए 2019 के लिए वो काम करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनावी रणनीतिकार और जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुंबई में शिवसेना के सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों से बात की है। मोदी नीतीश के लिए वो चुनावी रणनीति बना चुके हैं। 2014 में उनका योगदान रहा बीजेपी के कैंपेन में, उसके बाद बिहार का रुख किया, नीतीश के साथ जुड़े, फिलहाल जेडीयू में है। और अब बड़ी खबर ये कि 2019 चुनाव में शिवसेना के लिए काम करेंगे। चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर। 2014 में मोदी की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2015 में नीतीश के लिए काम किया, महागठबंधन के साथ वो जुड़े थे। यूपी पंजाब में कांग्रेस के लिए भी वो काम कर चुके हैं, जाने माने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। कांग्रेस को सुझाव दिया था प्रियंका को राजनीति में आना चाहिए और प्रियंका गांधी ने एंट्री ले भी ली सक्रिय राजनीति में। अभी जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं और नीतीश ने कहा अमित शाह के कहने पर वो साथ हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशांत किशोर शिवसेना के लिए काम करेंगे 2019 चुनाव के लिए। सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, तो जेडीयू के रणनीतिकार, जेडीयू के चाणक्य अब शिवसेना को गाइड करेंगे 2019 के चुनाव में। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड शिवसेना का। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए थे और अब जेडीयू के उपाध्यक्ष पद पर हैं प्रशांत किशोर, अब शिवसेना के रणनीतिकार के तौर पर सामने आए हैं। 2019 चुनाव के लिए शिवसेना ने अपना ट्रंप कार्ड खेला है। बता दें कि आज उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर शिवसेना के तमाम पदाधिकारी, सांसद, शिवसेना के नगर सेवक और विधायकों की बैठक चल रही है। यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हो रही है और इन्हीं सबको समझाने के लिए, योजना बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को बुलाया गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात भी है कि गठबंधन पर भी संभवतः बातचीत हो सकती है और प्रशांत किशोर एक भूमिका निभा सकते हैं, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल उन्हें रणनीतिकार के तौर पर बुलाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। आप सीधा सुनते हैं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस मामले पर क्या कहा है। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर एनडीए के घटक दल के एक नेता है और उस नाते प्रशांत किशोर जी, उनकी आज कर्टेसी विजिट रही मातोश्री पे, सबसे मिले, उद्धव जी से मिले। मैं मानता हूँ आप उसमें राजनीति मत देखिए। प्रचाराची धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी नेहमी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि शिवसेना नेत्यांची असते। सवाल है क्या शिवसेना खुद की ताकत पे लड़ेगी या युती की? शिवसेना की ताकत तो है, ताकत रहेगी और ताकत पर लड़ेंगे हम हमेशा। शिवसेना पार्टी चीफ ने ऐलान किया है कि हम अपनी ताकत पर लड़ेंगे। लेकिन चर्चाएं हो रही है कि गठबंधन भाजपा से गठबंधन होगा, लोकसभा हो या विधानसभा। चर्चा 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 में शिवसेना कहीं शामिल नहीं है, चर्चा आप लोग कर रहे हैं और आपके माध्यम से सब बातें हमारे तरफ आती है। शिवसेना बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है। तो शिवसेना के सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। गठबंधन को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति ना देखें, सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे प्रशांत किशोर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।